सर क्या लगता है कि इस वक्त देश किस तरफ जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की थी आज़ादी के मूल्यों को, भारत के सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के मूल्यों को नष्ट करके एक अपने एजेंडे के भारत को बनाने की, ये तपस्यापूर्ण भारत जोड़ो यात्रा ने उस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया है। अब देश का राजनीतिक सामाजिक एजेंडा एक सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको कश्मीर के लोगों के दिल को जीतना होगा। हमारी ये यात्रा का मकसद कश्मीर के लोगों के विश्वास को जीतना, उनके दिल को जीतना है। लोकतंत्र के अंदर सभी समस्याओं का समाधान जनता के दिल को जीत करके ही निकाला जा सकता है। बहुत टाइम से पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, लेकिन एक इस वक्त सिचुएशन ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहीं नहीं है दोनों हमसाया मुल्कों के साथ, क्या करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान को अपनी कुछ हठधर्मिताएँ छोड़नी पड़ेगी। यदि पाकिस्तान अपना भी भला चाहता है और भारत के साथ दोस्ती भाईचारा चाहता है तो उनको कुछ अपनी हठधर्मिताएँ छोड़नी पड़ेगी। और हम भारत हमेशा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आज पाकिस्तान का आवाम कठिनाई में है, दिक्कत में है, तो उससे हमारा दिल दुखा हुआ। देखिए, इसका इम्पैक्ट एक सही दिशा देश की राजनीति की बने उसको बनाने की दिशा में गया है। जो लोग देश की राजनीति की दिशा को दिग्भ्रमित करके दूसरी तरफ को ले जाना चाहते थे, उनके मंसूबे इसने फेल कर दिए हैं। अब जैसा भारत है, जो वास्तविक भारत है, उसी यात्रा के बाद दिखाई देगा और उसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक सोच पर, आर्थिक सोच पर पड़ेगा।